हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 4 ऑफ प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज। ओके, सो आज हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है विद रिस्पेक्ट टू श्रिम्प कल्टीवेशन। ओके, एंड यहाँ पर ये किस तरीके से यूज किया जा रहा है फॉर मैंग्रोव रिस्टोरेशन इन सुंदरबंस। ओके, इसी के लिए लॉन्च किया गया है सेम इनिशिएटिव। तो हमें ये तीन चीजें जाननी होंगी, अबाउट द श्रिम्प्स, अबाउट द मैंग्रोव्स एंड सेम इनिशिएटिव। सी, अभी मैं आपके साथ वो टॉपिक्स डिस्कस नहीं कर रहा हूँ जो एक फुल फ्लेज्ड डिस्कशन चाहिए जिनके लिए। ओके, बिकॉज टिल दिस संडे आई एम वेटिंग फॉर जितने भी स्टूडेंट्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि कोई पीछे ना रह जाए। ओके, फिर वो पीछे ना छूटे, इसलिए अभी हम वो टॉपिक मोस्टली डिस्कस कर रहे हैं जो प्रीलिम्स में हमें आप कह सकते हो एक लो हैंगिंग फ्रूट के टाइप में क्वेश्चन आते हैं। ओके, कंपैरेटिवली इजी, इधर यू नो और यू डोंट नो। ओके, ज्यादा स्टेटमेंट देकर उतने डिटेल में नहीं पूछे जाते जो, और ऐसे डेफिनेटली 15 से 20 क्वेश्चन हमेशा होते हैं, जैसे बोल बाचिया वॉज दी वन क्वेश्चन। ओके, तो अभी उन पर फोकस ज्यादा है। चलिए तो इसको जान लेते हैं। सेम इनिशिएटिव, पूरा नाम है सस्टेनेबल सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम, यानी कि कहीं ना कहीं मैंग्रोव का जो इकोसिस्टम है उसी में हम लोग सस्टेनेबल वे में एक्वाकल्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था 2019 में, एंड इट इज ए कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव। ओके, कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट द इनिशिएटिव इज कंसीव्ड बाय एनजीओस। कौन कौन से, नाम जरूरी नहीं है बट इतना याद रखना जरूरी है दैट इट इज कंसीव्ड बाय एनजीओ। ये जो इनिशिएटिव है दिस इज कंसीव्ड बाय एनजीओ, नॉट ए गवर्नमेंट लेड इनिशिएटिव। ओके, एंड कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव है, यानी कम्युनिटी इसको प्रिजर्व करने पर कोशिश कर रही है। अंडर द इनिशिएटिव फार्मर्स हैव टेकन अप द कल्टीवेशन ऑफ श्रिम्प एट 30 हेक्टेयर इन वेस्ट बंगाल। एडिशनली दे आर रिस्टोरिंग द मैंग्रोव्स। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट लॉन्चेस नीलगिरी ताहर प्रोजेक्ट टू कंजर्व द स्टेट एनिमल। सो फर्स्ट थिंग इज दैट नीलगिरी ताहर इज द स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु। ऑलराइट, सेकंड पॉइंट दैट इट इज आल्सो कॉल्ड एज माउंटेन मोनार्च। ठीक है, नीलगिरी ताहर को हम माउंटेन मोनार्च भी कहते हैं। नाउ फर्दर इंफॉर्मेशन, दिस इनिशिएटिव इज लॉन्च बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट। ओके, टू डेवलप ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नीलगिरी ताहर पॉपुलेशन। और उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करेंगे, तो सर्वे एंड रेडियो टेलीमेट्री स्टडीज, एंड री इंट्रोड्यूस द ताहर्स टू देयर हिस्टोरिकल हैबिटाट, एड्रेस द प्रॉक्सिमेट थ्रेट एंड इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द स्पीशीज। प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन होगा फ्रॉम 22 to 27, 5 साल का। फंडिंग प्रोवाइड की जा रही है बाय तमिलनाडु पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। एंड नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट दैट अक्टूबर 7 विल बी सेलिब्रेटेड एज नीलगिरी ताहर डे। पहले इस तरह के पॉइंट्स इग्नोर किए जा सकते थे बट अब नहीं किए जा सकते, क्योंकि पहले भी उसने पिछले साल 22 में क्वेश्चन पूछा था अबाउट दैट बांग्ला डे। ओके, बांग्ला लैंग्वेज डे ऐसा कुछ करके क्वेश्चन था। ठीक है, और इसलिए अब ये सब हम इग्नोर नहीं कर सकते। सो अक्टूबर 7 इज सेलिब्रेटेड एज नीलगिरी ताहर डे इन द ऑनर ऑफ ई आर सी दावीदार, हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर पायनियरिंग वन द फर्स्ट स्टडीज ऑफ द स्पीशीज इन 1975। ओके, अक्टूबर 7, रिमेंबर। चलिए नीलगिरी ताहर के स्टेटस वगैरह के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, पहले यूपीएससी ने आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा था 2023 में कि इनमें से कौन सा ट्रॉपिकल है। ठीक है, ट्रॉपिकल कंडीशन से मिलता है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम आगे भी तैयार रहेंगे, इसलिए चलिए पहले इसको देखते हैं। यहाँ पर कहाँ चले गए, जस्ट अ सेकेंड गाइस, कहीं मिस हो गया। नीलगिरी ताहर, सी नीलगिरी ताहर इज द सोल कैप्रिने स्पीशीज फाउंड इन ट्रॉपिकल माउंटेन्स। दिस इज फर्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर दैट नीलगिरी ताहर इज फाउंड इन ट्रॉपिकल माउंटेन्स ऑफ सदर्न इंडिया। स्टेटस है इसका एंडेंजर्ड। वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1972 में आता है ये शेड्यूल 1 स्पीशीज। अब इस एक्ट में भी चेंजेस किए गए हैं, पहले 6 शेड्यूल हुआ करते थे, अब 4 हैं। वो मैं आपको पढ़ाऊंगा अलग से बाद में। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए याद रखिए नीलगिरी ताहर इज शेड्यूल 1 स्पीशीज। नाउ ये उस हैबिटाट को इनहैबिट करता है वेयर देयर इज स्टीप क्लिफ्स एट एलिवेशन ऑफ अराउंड 300 मीटर to 2600 मीटर। पॉपुलेशन एस्टिमेट की जाती है अराउंड 3122,
हिस्टोरिकली तो ये मिलता था पूरे के पूरे वेस्टर्न घाट्स में, बट अब ये रिस्ट्रिक्ट होके रह गया है कुछ स्कैटर्ड पैचेस तमिलनाडु और केरल के। ओके सो ये देख सकते हैं हम कि कितना ज्यादा हैबिटेट लॉस उसका हुआ है, इसलिए ये प्रोजेक्ट की जरूरत पड़ी। इट हैज बिकम लोकली एक्सटिंक्ट इन अराउंड 14% ऑफ ट्रेडिशनल शोला फॉरेस्ट। ओके शोला फॉरेस्ट आप जानते हो वेस्टर्न घाट्स को कहते हैं केरल में। देर आर मल्टीपल रेफरेंसेज टू नीलगिरी ताहर इन तमिल संगम लिटरेचर ड्यूरिंग डेटिंग बैक टू 2000 ईयर्स। इवन लेट मैसोलिथिक पेंटिंग्स भी हाईलाइट करती हैं द सिग्निफिकेंस ऑफ ताहर इन फोकलोर कल्चर एंड लाइफ। ठीक है, और तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है वो आप जानते हो। चलिए नेक्स्ट, साइलेंट वैली बर्ड स्पीशीज गोज अप टू 175। तो अब साइलेंट वैली के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। साइलेंट वैली, इट इज लोकेटेड इन पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ नीलगिरी माउंटेन्स ऑफ केरल, जो अभी हमने पिछला आर्टिकल देखा उसी से रिलेटेड है। दिस साइलेंट वैली वॉज डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल पार्क इन 1984। ओके द पार्क इज लोकेटेड इन रिच बायोडाइवर्सिटी ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, और इसी पर क्वेश्चन आया था 2020 में। अगर उसमें नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कौन कौन से नेशनल पार्क या सेंचुरीज आते हैं वो पूछी गई थी। ओके नाउ मुकुर्ती पीक, द फिफ्थ हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया एंड अग्निदा पीक आर लोकेटेड इन इट्स विसिनिटी। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, मुकुर्ती पीक। ओके ये यहीं पर है। उसके अलावा आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते रहे पहले भी इस तरह के कि कौन से रिवर मैच द फॉलोइंग में दिया जाता था, ये रिवर इस नेशनल पार्क से पास होती है या ये नेशनल पार्क इस रिवर के अक्रॉस लोकेटेड है। ओके सो रिमेंबर दैट भवानी रिवर विच इज ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी ओरिजिनेट इन विसिनिटी ऑफ साइलेंट वैली। द पार्क हार्बर से वायबल पॉपुलेशन ऑफ लायन टेल्ड मकाऊ विच इज ऑल्सो द फ्लैगशिप स्पीशीज ऑफ द पार्क। कैन यू टेल मी द आईयूसीएन स्टेटस ऑफ लायन टेल्ड मकाऊ, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन इफ यू नो। द पार्क इज वन ऑफ द लास्ट अनडिस्टर्ब ट्रैक्ट्स ऑफ साउथ वेस्टर्न घाट माउंटेन रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट। कई बार क्या होता है कि आपको ना इस तरह की चीजें एक पैसेज दे दिया जाएगा जहां पर आपको बताया जाएगा कि यहाँ पर रेन फॉरेस्ट मिलते हैं या ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, फिर यहाँ का फ्लैगशिप स्पीशीज लायन टेल्ड मकाऊ है, यहाँ से भवानी रिवर ओरिजिनेट होती है। ये सारी इंफॉर्मेशन किस नेशनल पार्क के रेफरेंस में दी जा रही है, और फिर आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे अलग अलग नेशनल पार्क के नाम नाम पे, और फिर उसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा साइलेंट वैली नेशनल पार्क एज योर आंसर। राइट, तो आपको दोनों वे में पूछा जाता है। ये कई बार पार्क के फीचर्स दे दिए जाते हैं, जैसे 2021 में देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन नामथापा नेशनल पार्क। ओके उसमें आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दे दी गई थी और आपसे आंसर पूछा गया था। नाउ प्लान फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट दैट थ्रेटन्ड द पार्क्स बायोडाइवर्सिटी लेड टू एन एनवायरमेंटल सोशल मूवमेंट इन 1970s नोन एज सेफ साइलेंट वैली। ठीक है, अब मीन्स में आपको कई बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं पहले भी कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए पीपल्स मूवमेंट हुई है, तो उसमें आप एक ले देख कर सिर्फ एक ही मैंशन करते हो, चिपको मूवमेंट। ओके सेव साइलेंट वैली नेशनल मूवमेंट ही हुई थी। ठीक है, फिर और मूवमेंट सक्सेसफुल भी रही कि वो प्रोजेक्ट कैंसिल भी हो गया और फिर इसको पार्क का स्टेटस मिल गया। ओके ये फिर नेशनल पार्क बना। एंड अगेन 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 टेलिंग यू, आई रिपीट दिस इन एवरी वीडियो, प्लीज हैंड रिटन नोट्स बनाना, सिर्फ कीवर्ड्स लिखो, की पॉइंट्स लिखो, पूरे की पूरी बुक मत छाप लेना। ओके इसलिए मैं ये पीडीएफ वगैरह देने वाला सिस्टम नहीं रखता हूँ, क्योंकि देखिए उससे आप ही का लॉस होगा। जो आपका जब डी डे आने वाला होगा ना, उसके 1 महीने पहले जब आप रिविजन करने बैठोगे तो आपके हैंड रिटन नोट्स ही आपके काम आएंगे, वहाँ पीडीएफ से रिविजन नहीं होगा। ओके और अगर आप पीटी के भरोसे बैठे हो, PT 365, तो सिंस 2020 प्रीलिम्स, ओके 2020 के प्रीलिम्स से पीटी हैज कॉन्स्टेंटली फेल्ड। यूपीएससी नो कि बच्चे क्या रेफर करते हैं क्या नहीं, वो सब चाहता भी नहीं, वो चाहता ही नहीं है कि तुम लोग कोचिंग वगैरह का मटेरियल रेफर करो, वो चाहता है आप खुद अवेयरनेस रखो, आप खुद न्यूज़पेपर्स को उस वे में एनालाइज करना सीखो जैसे कि जरूरत होती है, एक जो उसको एनालिटिकल एबिलिटी चाहिए बच्चे में। ओके चलिए, जैन कम्युनिटी का प्रोटेस्ट हुआ था। ओके तो यहाँ पर मुझे प्रोटेस्ट में इंटरेस्ट नहीं है हमें, लेकिन यहाँ पर दो साइट न्यूज में थी जो हमें जानना है। पहली थी पारसनाथ हिल्स, ठीक है, हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं हम इसको, और यहाँ भी एक बार देख लेते हैं क्या था।
ठीक है, तो ये लोकेटेड कहाँ है? पारसनाथ हिल आता है आपका झारखंड में। इट इज दी हाईएस्ट पीक। ओके, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर ऑफ द जैन्स। दे कॉल इट समेत शिखर। द हिल इज नेम्ड आफ्टर पारसनाथ। ही वॉज 23rd तीर्थंकर। ओके, टोटल 24 थे। 24th वॉज महावीरा। ही वॉज पार्श्वनाथ वॉज दी 23rd। ठीक है, 20 ऑफ जैन तीर्थंकर अटेंड साल्वेशन ऑन दिस हिल। ये मानते हैं कि हमारे करीब 20 तीर्थंकरों ने यहीं पर साल्वेशन प्राप्त किया, जिसको जैनिज्म में कहा जाता है कैवल्य। फॉर ईच ऑफ देम देयर इज ए श्राइन दैट इज गुमती या टुक। ओके, ये वर्ड अगर पूछा जाए सिर्फ गुमती या टुक क्या है, तो ये वो श्राइन है जहां पर जैन तीर्थंकर को कैवल्य या साल्वेशन प्राप्त हुआ। सम ऑफ द टेम्पल्स ऑन द हिल्स आर बिलीव टू बी मोर देन 2000 ईयर ओल्ड। संथाल्स, द संथाल्स कॉल्ड इट मरांग बुरु, द हिल ऑफ डीटी। दे सेलिब्रेट ए हंटिंग फेस्टिवल ऑन द फुल मून डे इन बैसाख। एवरी ईयर थाउजेंड ऑफ जैन्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड अंडरटेक 27 किलोमीटर लॉन्ग ट्रैक ऑफ क्लाइंबिंग द हिल्स टू रीच द समिट। ठीक है, पारसनाथ हिल झारखंड, इसके बारे में जान लिया। आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास पलीताना एंड शत्रुंजया हिल्स। अब ये क्या है? तो शत्रुंजया इज ऑल्सो ए सेक्रेट जैन साइट लोकेटेड इन पलीताना टाउन ऑफ गुजरात। ओके, भावनगर डिस्ट्रिक्ट गुजरात। दिस सेक्रेट साइट कंटेन्स हंड्रेड्स ऑफ श्राइन्स दैट वर सेंक्टिफाइड व्हेन ऋषभ देव वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। ठीक है, आज के लिए मैंने आपको स्टैटिक का जो टॉपिक दिया था वो भी यही था, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ठीक है, तो उसमें आपने पढ़ा होगा व्हेन ऋषभ द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म गिव हिज फर्स्ट सरमॉन इन द टेम्पल ऑन द हिल टॉप। ठीक है, द पलिताना टेम्पल ऑन शत्रुंजया हिल वर बिल्ट ओवर ए पीरियड ऑफ 900 ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 11th सेंचुरी। इट वॉज कुमार पाल सोलंकी। ठीक है, वो बंगाल वाले कुमार पाल नहीं, कुमार पाल सोलंकी, गुजरात वाले कुमार पाल सोलंकी, ए ग्रेट जैन पैट्रॉन हु बिल्ट द फर्स्ट टेम्पल ऑन द साइट। इट इज सेड दैट आदिनाथ ऑल्सो नोन एज ऋषभ देव, इट इज सेड दैट आदिनाथ वॉज फाउंडर ऑफ जैनिज्म। ही मेडिटेटेड बीनीथ द रायन ट्री एट द समिट। क्लियर, तो पलिताना हिल्स के बारे में जान लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, प्रज्वला चैलेंज ये क्या है? देखिए पीआईबी है एंड लास्ट ईयर देयर वाज 17 क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम पीआईबी। ओके, जो कि जनरली जो आपकी कोचिंग की मैगजीन्स होती है ना वो उसको कवर भी नहीं करती है, इसलिए कोचिंग के मटेरियल पर रिलाई करने वाले बच्चों ने ज्यादा डिफिकल्टी फेस की थी पिछले 23 और 22 के प्रश्न में। चलिए, प्रज्वला चैलेंज क्या है? तो इट इज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये पहली बात आपको याद रखनी है। ठीक है, दूसरा, इसे लॉन्च किया गया है अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन दैट इज DAYNRLM। ठीक है, इसे लॉन्च किया है इसको। अब इसमें फोकस क्या रहेगा? मोस्टली द मिशन इज लुकिंग फॉर आइडियाज एंड सॉल्यूशंस अराउंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, इंक्लूसिव ग्रोथ, वैल्यू चेन इंटरवेंशन, एनहांस वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन, सस्टेनेबिलिटी, प्लेस बेस्ड एम्प्लॉयमेंट, लोकलाइज मॉडल एटसेट्रा। ओके, मोस्टली जो पांच कैटेगरी में फॉल करेगा, विच इज फोकस ऑन वुमेन एंड मार्जिनलाइज सेक्शन, दिस इज वन कैटेगरी। सेकेंड इज लोकलाइज मॉडल, थर्ड इज सस्टेनेबिलिटी, फोर्थ कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन एंड फिफ्थ इज मल्टी सेक्टोरल आइडियाज एंड सॉल्यूशन। ये मैंने आगे भी लिख दिया है आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, फोकस ऑन वेमेन एंड मार्जिनलाइज सेक्शन, ये वन। सेकेंड लोकलाइज मॉडल, थर्ड सस्टेनेबिलिटी, फोर्थ कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन, फिफ्थ मल्टी सेक्टोरल आइडियाज एंड सॉल्यूशन। ओके, तो काइंड ऑफ एक टाइप का ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन है लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट अंडर DAYNRLM प्रोग्राम। सगोल कांगजेई, ठीक है, ये और यहाँ पर द एंशियंट पोलो, दिस इज एंशियंट पोलो ऑफ मणिपुर, प्लेड ऑन सेलिब्रेटेड मणिपुर पोनी। तो हमें यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो ये सगोल कांगजी क्या है और दूसरा ये पोनी क्या है। ठीक है, हमें दोनों चीजें जाननी होंगी एग्जाम के लिए। तो चलिए, पहले तो जो मॉडर्न पोलो आज का है, पोलो आपने देखा होगा घोड़े पे बैठ के काइंड ऑफ गोल्फ स्टिक लेकर खेला जाता है, बॉल को मारा जाता है। ओके, सो दिस मॉडर्न पोलो एक्चुअली एक्चुअली इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस संगोल कांगजेई। ठीक है, और कहाँ खेला जाता है ये संगोल कांगजेई? तो इट इज प्लेड इन मणिपुर।
क्लियर। सगोल कांगजेई, द नेम ऑफ द गेम गेम ऑफ पोलो प्लेड इन मणिपुर। सगोल मीन्स पोनी या हॉर्स, ठीक है। सगोल का मतलब है पोनी, पोनी मतलब हॉर्स। कांग मीन्स ए बॉल या फिर कोई भी राउंड ऑब्जेक्ट, एंड जेई जेई इज ए स्टिक। ओके, सो इन दिस गेम प्लेयर राइड द हॉर्स, स्पेसिफिकली द मणिपुर पोनीज, विच हैव रेफरेंस इन रिकॉर्ड डेटिंग बैक टू 14th सेंचुरी। तब से खेला जाता है ये। मणिपुर पोनी क्या है इसको जान लेते हैं। इट इज ए ब्रीड ऑफ हॉर्स मेनली फाउंड इन प्लेन्स ऑफ मणिपुर, ठीक है। और मणिपुर का इशू चल ही रहा है वो मिताई एंड कुकी वाला। प्लेन्स में कौन रहते हैं? मिताई, ओके, एंड कुकीज वर रिसाइडिंग ऑन द हिल्स, दे आर मोस्टली क्रिश्चियन, मिताई आर हिंदूज, ठीक है। तो वहीं प्लेन एरियाज में ही मिलता है एक हॉर्स की ब्रीड जिसे कहते हैं पोनी। इट इज वन ऑफ द फाइव रिकग्नाइज एक्वाइन ब्रीड्स ऑफ इंडिया एंड हैज, ओके, वन ऑफ द फाइव रिकग्नाइज एक्वाइन ब्रीड ऑफ इंडिया एंड हैज ए पावरफुल कल्चरल सिग्निफिकेंस फॉर मणिपुर सोसाइटी। इन द पास्ट इट वॉज यूज फॉर वॉरफेयर एज वेल एज फॉर पोलो गेम्स। हाउ एवर स्मॉल एंड ड्विंडलिंग नंबर ऑफ मणिपुर पोनी हैड बीन ए कॉज फॉर कंसर्न। चलिए, ये टॉपिक थोड़ा सा टफ भी लगेगा क्योंकि अगर इससे क्वेश्चन आया ना तो ये आपको टफ कैटेगरी में लाई करेगा, ठीक है। अटेम्प्ट करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इसको जरा ध्यान से समझिए। जेब्रा फिश, इसको स्टडी किया गया, इसमें एक प्रोटीन मिला है, ठीक है, जो रीजनरेट कर सकता है एजेड डिस्क को ह्यूमन वर्टिब्रेट्स में, ठीक है। मतलब देखिए, आपकी हमारी सबकी बॉडी में डिस्क होती है, ठीक है, जो एज के साथ साथ डीजनरेट होना शुरू हो जाती है। तो अब हमें कुछ ऐसा ढूंढना होगा जो या तो इस डिस्क को डीजनरेट होने से रोक सके या फिर इसको रीजनरेट कर सके, राइट। तो वैसी कुछ स्टडी की गई है जैब्रा फिश पे। तो पहले देखते हैं कि डिस्क जनरेशन इन ह्यूमंस, डीजनरेशन इन ह्यूमंस, ठीक है, ये क्यों होता है, कैसे होता है। इन ह्यूमंस डिस्क डीजनरेट नेचुरली, कि ये जो डिस्क होती है डीजनरेट होना शुरू हो जाती है नेचुरली, ठीक है, सब जगह पर, चाहे वो लोअर बैक हो सकता है, नेक हो सकता है, या अपेंडिज पेन हो सकता है। ओके, ट्रीटमेंट, करेंटली देयर इज ओनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स फॉर डिस्क डीजनरेशन आर अवेलेबल, इंक्लूडिंग पेन रिलीफ या फिर एंटी इन्फ्लेमेटरीज। इन सीवियर केस डिस्क रिप्लेसमेंट करा लीजिए आप, या फिर डिस्क फ्यूजन सर्जरी करवाई जा सकती है, ठीक है। बट ड्रॉबैक्स क्या है इसके प्रेजेंट पे? ड्रॉबैक इज दैट देयर इज ओनली लिमिटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट द सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर प्रोसेसेस प्लेइंग ए रोल इन मेंटेनेंस ऑफ द डिस्क, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग अभी काफी कम है कि क्या वो सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर प्रोसेस है जिस वजह से ये डिस्क मेंटेन रखी जा सकती है, ठीक है। तो देयर इज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन देयर इज नो मेडिकल प्रोसीजर और ट्रीटमेंट हैव बीन नोन टू सप्रेस डिस्क डीजनरेशन और इंड्यूस द रीजनरेशन। हैंस देयर इज नीड टू डेवलप ए ट्रीटमेंट ईदर टू सप्रेस द डिस्क डीजनरेशन, यानी डीजनरेट होने से ही रोका जा सके, या फिर टू प्रमोट डिस्क रीजनरेशन इन ह्यूमंस। तो अब जो नया प्रोटीन मिला है वो क्या है? उस प्रोटीन का नाम है CCN2A। अब देखिए, पहले क्वेश्चन पूछे गए बी सेल टी सेल किस लिए न्यूज़ में थे, उसी तरीके से अगर ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कि ये CCN2A ये क्यों न्यूज़ में था, तो प्लीज ध्यान रखिएगा कि ये डिस्क रीजनरेशन से रिलेटेड है और ये एक जेब्रा फिश में स्टडी किया गया है। साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड ए न्यू प्रोटीन कॉल्ड सेल्यूलर कम्युनिकेशन नेटवर्क फैक्टर 2A, इन शॉर्ट CCN2A। द स्टडी वॉज कंडक्टेड ऑन जैब्रा फिश एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म इन द फर्स्ट। दिस प्रोटीन इंड्यूसेस डिस्क रीजनरेशन इन एजेड डीजनरेटेड डिस्क। ओके, यही तो करना चाहते थे साइंटिस्ट कि कुछ ऐसा कर सकें कि रीजनरेट हो जाए डिस्क। ओके, और वो दिखाया है इस प्रोटीन ने। इट विल डू दैट बाय प्रोमोटिंग सेल प्रोलिफरेशन एंड सेल सर्वाइवल बाय मॉड्यूलेटिंग द पाथवे कॉल्ड FGFR1SHH, दैट इज फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर सोनिक हेडहॉग पाथवे, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं पूछा जाएगा, बट आपसे ये जरूर पूछा जाएगा प्रोटीन का रोल क्या है। और ये जो वर्ड देख रहे हो ना फिब्रोब्लास्ट, ये इस बार MPPSC 2023 में पूछा गया, जो अभी हुआ है पिछले मंथ।
साइंटिस्ट ऑल्सो फाउंड दैट सीसी एंड टू ए FGFR1 SHS सिग्नलिंग कास्केड विच टेक्स ए पॉजिटिव रोल इन डिस्क मेंटेनेंस एंड ऑगमेंटिंग डिस्क रीजनरेशन। ओके, लास्ट टॉपिक ऑफ द डे पे आते हैं, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। ठीक है, और इसी के साथ हम लोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम भी देख लेंगे, क्योंकि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को ना इवन UNDP ने भी अप्रिशिएट किया है कि दिस दिस इज वंडरफुल। ओके, इसका काफी सक्सेसफुल माना गया है इस प्रोग्राम को। ठीक है, तो हमने डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को ही मॉडल मानते हुए हम लोग नया लेकर के आए हैं एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, जैसे आप लोग जानते हो, अब अगर आप लोग न्यू हो, पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ठीक है, सेंटर होता है, ठीक है, मतलब हमारा नेशन, ठीक है, उसके बाद स्टेट लेवल, स्टेट के नीचे हो जाती है डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट के नीचे हो जाते हैं ब्लॉक लेवल्स, और ब्लॉक लेवल्स के नीचे आ जाते हैं फिर हमारे विलेजेस। ठीक है, तो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोग्राम काफी सक्सेसफुल रहा। ओके, उसके बाद फिर हमने इसको अब ब्लॉक लेवल पर भी लॉन्च किया है। चलिए देख लेते हैं क्या है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। सो इट इज लॉन्च ऑन द लाइन्स ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम दैट वॉज लॉन्च इन 2018। अभी हम उस प्रोग्राम को भी देखेंगे। टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ ब्लॉक्स लैगिंग ऑन वेरियस डेवलपमेंटल पैरामीटर्स। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए किसी ब्लॉक लेवल पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत हाई है अभी भी, तो चलिए फिर वहां का देखना पड़ेगा। ओके, कि यहाँ पे क्या किया जा सकता है पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, अवेयरनेस बढ़ानी होगी, या सेक्स रेशियोस ब्लॉक में बहुत पुअर है, तो यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी प्रोग्राम को हमें और एनकरेज करने की जरूरत होगी। बच्चों के लिए घर के पास स्कूल्स हों, उनकी सेफ्टी का ध्यान दिया जाए, उसके लिए ज्यादा फंड एलोकेट किया जा सकता है, या उन स्कीम्स को यहाँ पर और बेटर तरीके से मॉनिटर या इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ठीक है, नाउ दिस विल एनेबल हॉलिस्टिक डेवलपमेंट इन दोस एरियाज दैट रिक्वायर एडेड असिस्टेंस। कवरेज कवर किया जाएगा 500 ब्लॉक्स को अक्रॉस 31 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अब देखिए सारे नहीं है, ठीक है, अगर आप सारे यूनियन टेरिटरी स्टेट को मिलाएंगे तो वो करीब करीब आपकी 46 के आसपास जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने सिर्फ टोटल 31 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज को ही कंसिडर किया है। ठीक है, 500 ब्लॉक्स इन 31 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, अगर ऑप्शन इस तरीके का आ जाए 500 ब्लॉक्स इन ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, तो वो गलत होगा। क्लियर, इनिशियली ओवर हाफ ऑफ दीज ब्लॉक्स आर इन 6 स्टेट। अब देखिए इसमें से 250 ब्लॉक्स ये सिर्फ 6 स्टेट्स में, और वो कौन से, वही जिनको मोस्टली बीमारू समझा जाता है, दैट इज उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। ठीक, हाफ ऑफ दिस आर इन 6 स्टेट, और ये स्टेटमेंट आएगा, प्रॉपर आएगा, 6 स्टेट, स्टेट्स के नाम पूछे ना जाए, लेकिन ये जरूर बोला जाएगा कि हाफ ऑफ दीज ब्लॉक्स आर इन, अब वो आपको 2 स्टेट्स भी कर सकता है, और फिर आपको लगेगा कि हाँ हाँ हो सकता है यूपी बिहार में ही हो इतने सारे, तो ऐसा नहीं है, 6 स्टेट्स में है अराउंड हाफ। ओके, रैंकिंग, इसके लिए रैंकिंग निकालती है नीति आयोग इन पार्टनरशिप विद स्टेट्स, विल रिलीज ए क्वार्टरली क्वार्टरली रैंकिंग। ओके, मंथली नहीं, क्वार्टरली रैंकिंग ऑफ दीज ब्लॉक बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स कवरिंग सेक्टर सच एज हेल्थ में आपने कितना प्रोग्रेस किया है, एजुकेशन में कितना प्रोग्रेस किया है, न्यूट्रिशन में कितना प्रोग्रेस किया है। चलिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को भी देख लेते हैं, इट वॉज लॉन्च इन 2018। ठीक है, टू इम्प्रूव द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस 28 स्टेट्स। दिस सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट वर विटनेसिंग द लीस्ट प्रोग्रेस ऑन सर्टेन डेवलपमेंट पैरामीटर्स लाइक हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्स। दीज डिस्ट्रिक्ट अकाउंट फॉर मोर देन 20% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन एंड कवर 8600 ग्राम पंचायत। इतना माइन्यूट याद रखने की जरूरत नहीं है। एंड इट इज कोऑर्डिनेटेड बाय नीति आयोग विद सपोर्ट फ्रॉम सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड स्टेट गवर्नमेंट। ओके, नाउ द थ्री कोर प्रिंसिपल ऑफ द प्रोग्राम आर, पहला पहला कि हमें कन्वर्जेंस करना है बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट स्कीम्स। ठीक है, स्टेट भी अपने लेवल पर स्कीम्स चलाता है कई सारी, बच्चियों के लिए, पढ़ाई के लिए, हेल्थ के लिए, और सेंटर भी चलाता है। ठीक है, जैसे राजस्थान में चल रही थी एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, उसी तरह सरकार की भी चल रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो उनके बीच में कन्वर्जेंस करना है। ठीक है, ओवरलैपिंग नहीं करना है, कंपटीशन नहीं करना है, कन्वर्जेंस होना चाहिए ताकि बेनिफिट मिल सके लोगों को। ठीक है, विच ब्रिंग टूगेदर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल टीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन अमंग सिटीजन एंड फंक्शनरीज ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इंक्लूडिंग द डिस्ट्रिक्ट टीम। दिस विल एनेबल इम्पैक्टफुल पार्टनरशिप बिटवीन गवर्नमेंट, मार्केट एंड सिविल सोसाइटी। और फिर करना है कंपटीशन, कंपटीशन किस में, डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में।
कि कौन कितना बेटर प्रोग्रेस कर पाता है। जैसे इंदौर बहुत प्राउडली आज अपने आप को प्रेजेंट करता है ना कि हम लोग सबसे साफ सुथरे शहर हैं, एक साल नहीं, 2 साल नहीं, हर साल। ओके, उसी तरह का कंपटीशन लाना है डिस्ट्रिक्ट्स में आपस में, ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ मास मूवमेंट। ईच डिस्ट्रिक्ट इज रैंक्ड बेस्ड ऑन 49 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आइडेंटिफाइड अक्रॉस 5 कोर थीम। ये 5 थीम्स आपको पता होनी चाहिए। ओके, जैसे पहले एक बार पूछ लिया था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कौन से इंडिकेटर नहीं है इसमें से, उसी तरीके से यहाँ पर 5 कोर थीम्स है। फर्स्ट, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन 30% वेटेज, एजुकेशन 30% वेटेज, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्स 20% वेटेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन वही जनधन अकाउंट एंड ऑल, एंड स्किल डेवलपमेंट 10% वेटेज, एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक वाटर, सैनिटेशन, स्कूल्स है या नहीं, हेल्थ हेल्थ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है या नहीं, उसको 10% वेटेज। ठीक है, तो ये 5 जो इंडिकेटर्स हैं ये जरूरी याद होने चाहिए। ठीक है, इन्हीं के बेसिस पर रैंकिंग की जाती है, जिसको हम डेल्टा रैंकिंग कहते हैं। क्लियर? सो ओके, दैट्स इट फॉर दिस सेशन। सो दिस वॉज डेमो लेक्चर नंबर 4। ये लेक्चर्स इसी तरीके से चलेंगे टिल सैटरडे। संडे को फिर हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे बेस्ड ऑन दी करंट टॉपिक्स जो हमने तैयार किए हैं, एंड सिमिलरली बेस्ड ऑन स्टैटिक टॉपिक्स जो आपको डेली दिए जा रहे हैं। तो आज का आपका टॉपिक जैनिज्म एंड बुद्धिज्म था। ओके, वो वीकली शेड्यूल टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक है EasySpy UPSC। ठीक है, इसको आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।